आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम व मस्नून। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन। आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। मैं आपके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एंड रेगुलर मोड MA फर्स्ट ईयर, सिर्फ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि अगर आप MA से कहीं से भी करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही कारामद है। तो MA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट उर्दू MCQ, उर्दू के तमाम मुमकिन सवाल आत्मा जवाब लेकर हाजिर हुआ हूँ। उनवान चौथा पर्चा क्लास की इसनाफ़ शेर पार्ट टू। तो आइए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर एक है वली दखनी, ऑप्शन नंबर टू है फ़ाइज़, ऑप्शन नंबर थ्री है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर फोर है आबू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। और शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर फ़ाइज़ दहलवी को माना जाता है, याद रखना है। शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर फ़ाइज़ को माना जाता है, फ़ाइज़ दहलवी को। उसके बाद ये सवाल देखिए, रुबाई किस मुल्क की ईजाद है? ऑप्शन नंबर एक है अरब, ऑप्शन नंबर टू है ईरान, ऑप्शन नंबर थ्री है हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर फोर है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू ईरान की ईजाद है। उसके बाद ये सवाल देखिए, रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन नंबर एक है दो, ऑप्शन नंबर टू है चार, ऑप्शन नंबर थ्री है छः, ऑप्शन नंबर फोर है सात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू, चार मिसरे होते हैं। रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? चार मिसरे होते हैं। उसके बाद ये सवाल देखिए, रुबाई का इब्तदाई क्या नाम था? ऑप्शन नंबर एक है चार मिसरे, ऑप्शन नंबर टू है तराना, ऑप्शन नंबर थ्री है मुरब्बा, ऑप्शन नंबर फोर है कता। इसका राइट आंसर ऑप्शन टू, रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था? तराना था। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू मरसिए का इर्तका किसकी तसनीफ है? ऑप्शन नंबर एक है सालेहा आबिद हुसैन, ऑप्शन नंबर टू है सारिब रिडोलवी, ऑप्शन नंबर थ्री है मसीहुज़्ज़मा, ऑप्शन नंबर फोर है हामिद हसन कादरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन थ्री, मसीहुज़्ज़मा। उर्दू मरसिए का इर्तका किसकी तसनीफ है? मसीहुज़्ज़मा। उसके बाद ये सवाल देखिए, वालिद के इंतकाल के वक्त हाली की उम्र कितनी थी? ऑप्शन नंबर एक है आठ बरस, ऑप्शन नंबर दो है नौ बरस, ऑप्शन नंबर थ्री है दस बरस, ऑप्शन नंबर है ग्यारह बरस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू, नौ बरस। वालिद के इंतकाल के वक्त हाली की उम्र कितनी थी? नौ बरस। उसके बाद ये सवाल देखिए, हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर एक है 1837 पानीपत में, ऑप्शन नंबर टू है 1830 लखनऊ में, ऑप्शन नंबर थ्री है 1837 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर फोर है 1835 हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 1837 पानीपत में। उसके बाद ये सवाल देखिए, हाली का नावल मजालिसुन्निसा कब शाये हुआ? ऑप्शन नंबर एक है 1870, ऑप्शन नंबर टू है 1874, ऑप्शन नंबर थ्री 1865, ऑप्शन नंबर फोर है 1880। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू, 1874। उसके बाद ये सवाल देखिए, जेल में से कौन सी समाने उमरी हाली ने नहीं लिखी है? ऑप्शन नंबर एक है यादगार गालिब, ऑप्शन नंबर टू है यादगार हाली, ऑप्शन नंबर थ्री हयात जावेद, ऑप्शन नंबर फोर है हयात सादी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू, यादगार हाली, ये सालेहा आबिद हुसैन की तसनीफ है। उसके बाद ये सवाल देखिए, मुआजना अनीस व दबीर के मुसनफ़ कौन हैं? ऑप्शन नंबर एक है अल्ताफ़ हुसैन हानी, ऑप्शन नंबर टू है काजिम अली जवां, ऑप्शन नंबर थ्री है मसीहुज़्ज़मा, ऑप्शन नंबर फोर है शिबली नुमानी, अल्लामा शिबली नुमानी, अल्लामा शिबली नुमानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, अल्लामा शिबली नुमानी इसके मुसनफ़ हैं, मुआजना अनीस व दबीर। उसके बाद ये सवाल देखिए, मिर्ज़ा दबीर का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन नंबर एक है 1874, ऑप्शन नंबर टू 1872, ऑप्शन नंबर थ्री 1875, ऑप्शन नंबर फोर 1877। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, 1875। उसके बाद ये सवाल देखिए, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की विलादत कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर एक है 9 अगस्त 1803 को दिल्ली में दबीर की विलादत हुई थी, 9 अगस्त 1803 को दिल्ली में दबीर की विलादत हुई थी। उसके बाद ये सवाल देखिए,
मर्सिया के एजाई तरकीबी कितने हैं? ऑप्शन नंबर एक है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 8, ऑप्शन नंबर 3 है 10, ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मर्सिया के एजाई तरकीबी कितने हैं? 8 है। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज, जंग, उसके बाद शहादत और आखिरी में है बैन। उसके बाद ये सवाल देखिए, मर्सिया किस शेर की आमद है के रंग काँप रहा है, किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है मीर अनीस, ऑप्शन नंबर 2 है सौदा, ऑप्शन नंबर 3 है मिर्जा दबीर, ऑप्शन नंबर 4 है मीर जमीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मिर्जा दबीर का मर्सिया है। उसके बाद ये सवाल देखिए, अनीस शख्सियत अरफन किसकी तसनीफ है? ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर फजल इमाम, ऑप्शन नंबर 2 है नाजिर काकुरी, ऑप्शन नंबर 3 है गोपी चंद नारंग, ऑप्शन नंबर 4 है सैयद अमजद अली अशहरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉक्टर फजल इमाम। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक अंसारी को अल्लाह हाफिज़।